हाँ हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का 9th लेक्चर है। इसमें हम कुछ थर्मोडायनामिक्स की बेसिक डिफिनीशन आपको लिखाएंगे और साथ में वर्क डन थर्मोडायनामिक्स में जो ग्राफ से कैलकुलेशन करते हैं वो बाद में उसको कराएंगे। ठीक, तो आप जरा लिखना स्टार्ट करें। लिखिए, आप इस नए उसमें थर्मोडायनामिक्स डाल देना टॉपिक में, लेक्चर में 9th में। लिखिए थर्मोडायनामिक्स और उसकी डिफिनीशन नोट करें। लिखिए, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इन टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इन टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। यानी कि जो हीट का ट्रांसफर होता है अदर फॉर्म में, वर्क है, इंटरनल एनर्जी है, उनकी सबकी हम स्टडी इसमें करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालें थर्मल इक्विलिब्रियम। ए थर्मोडायनामिकल सिस्टम इज सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन माइक्रोस्कोपिक MACRO वेरिएबल ब्रैकेट में लिख दें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एटसेट्रा PVT एटसेट्रा दैट करेक्टराइज द सिस्टम डोंट चेंज विद टाइम। यानी टाइम के साथ चेंज ये सिस्टम नहीं होंगे। ठीक, ए थर्मोडायनामिकल सिस्टम इज सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दैट करेक्टराइज द सिस्टम डोंट चेंज विद टाइम। नेचुरल है कि वो इक्विलिब्रियम में होगा उस समय। नेक्स्ट लिखें सिस्टम। हम जो भी स्टडी करते हैं, जैसे किसी सिलेंडर और में गैस फिलअप है, तो जो गैस आपकी फिलअप है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, वो हमारा सिस्टम है। सिस्टम, लेकिन प्रॉपर डिफिनीशन को जानना जरूरी है। साथ में आप लोग इसका PDF निकाल लेना और थ्योरी उसमें नोट है, उसको मिलाकर आप इसको स्टडी कर लेना। लिखिए सिस्टम, ए डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर बाउंडेड बाई सम क्लोज्ड सर्फेस ए डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर bounded by some closed surface is known as system. It may exist in the form of solid, liquid or gas. It may exist in the form of solid, liquid or gas or composition of these. तीनों का mixture भी हो सकता है। Next heading डालें surroundings. Everything outside the thermodynamical system Everything outside the thermodynamical system which has a direct effect on the system is called surrounding. Which has a direct effect on the system is called surrounding. For example, when we consider a gas enclosed in a cylinder fitted with a piston. For example, when we consider a gas enclosed in a cylinder fitted with a piston The gas forms the system. जो गैस फिलअप है वो सिस्टम हो गई। एंड एटमॉस्फेरिक एयर अराउंड द सिलेंडर कॉमा मूवेबल पिस्टन बर्नर ऑल आर सराउंडिंग्स द बाउंड्री वॉल ऑफ द सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप्स। इसी में लिख देना नेक्स्ट पैरा में, बाउंड्री वॉल ऑफ द सिस्टम मे बी ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन डाइथर्मिक वॉल DIATHERMIC डाइथर्मिक वॉल, उसी में एरो लगा के लिख देना थ्रो विच हीट कैन बी ट्रांसमिटेड यानी डाइथर्मिक वॉल कंडक्टिंग है, उससे हीट ट्रांसफर हो सकती है। सेकंड एडियाबेटिक वॉल थ्रो विच नो हीट कैन बी ट्रांसमिटेड यानी हीट ना सिस्टम के अंदर जाएगी ना सिस्टम से बाहर जाएगी। Through which no heat can be transmitted. अब इसी में नेक्स्ट पैरा में लिखना है क्लोज्ड और ओपन सिस्टम की डिफिनीशन लिखाएंगे। लिखे ए सिस्टम एनक्लोज्ड फुली इन ए डाइथर्मिक बाउंड्री इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। क्योंकि डाइथर्मिक बाउंड्री है इसलिए हीट ट्रांसफर होगी। हीट कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग हीट कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग बट नो मैटर बट नॉट मैटर लिख दो बट नॉट मैटर यानी मैटर एक्सचेंज नहीं होगा,
हीट जो है वो एक्सचेंज होगी। सेकेंड डेफिनेशन, ए सिस्टम इनक्लोज्ड इन ए एडियाबेटिक बाउंड्री इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। ए सिस्टम इनक्लोज्ड इन ए एडियाबेटिक बाउंड्री इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। नीदर हीट नॉर मैटर कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ना तो हीट ट्रांसफर होगी और ना मैटर होगा, ठीक, एडियाबेटिक में। नीदर हीट नॉर मैटर कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एक और नोट करें, इन ओपन सिस्टम एनर्जी एंड मास बोथ कैन बी एक्सचेंज्ड। इन ओपन सिस्टम एनर्जी एंड मास बोथ कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है, यानी कि इसमें हीट और मास दोनों जो है वो एक्सचेंज हो सकते हैं। थर्मोडायनामिक स्टेट एंड कोऑर्डिनेट्स, थर्मोडायनामिक स्टेट एंड कोऑर्डिनेट्स, थर्मोडायनामिक स्टेट एंड कोऑर्डिनेट। देखिए थर्मोडायनामिक स्टेट, थर्मोडायनामिक स्टेट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। थर्मोडायनामिक स्टेट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, इट्स कंपोजिशन कॉमा टेम्परेचर कॉमा वॉल्यूम एंड प्रेशर, दीज आर कॉल्ड थर्मोडायनामिक पैरामीटर आर कोऑर्डिनेट्स। जनरली प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ये कोऑर्डिनेट में लेते हैं, क्योंकि किसी कंटेनर में अगर गैस फिलअप है तो उसका प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है, समझ गए ना, वही उसके पैरामीटर और कोऑर्डिनेट है। दीज आर कॉल्ड थर्मोडायनामिक पैरामीटर आर कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट लिखें इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। देखिए द स्टेट ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, द स्टेट ऑफ होमोजीनियस सिस्टम एट एनी टाइम, द स्टेट ऑफ होमोजीनियस सिस्टम एट एनी टाइम इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ, इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ these thermodynamic parameter, in terms of their, लिखना their thermodynamic parameter, pressure volume and temperature, PVT लिख दो, pressure volume and temperature। natural है कि जो system के अंदर जो gas fill up होगी उसको आप जब define करेंगे तो pressure volume और temperature से कितना है, ठीक है ना। लिखिए द मैथमेटिकल रिलेशन, द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन, द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन दीज पैरामीटर्स, द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन दीज पैरामीटर्स इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, the mathematical relation between these parameters is called equation of state. For example, for n mole of ideal gas, for n mole of ideal gas, the equation of state is PV is equal to nRT. The equation of state
इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यानी मैथमेटिकल रिलेशन है प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, समझ गए होंगे, उनके कोऑर्डिनेट है। स्टेट को अगर रिप्रेजेंट करना है ठीक से तो मैथमेटिकल रिलेशन चाहिए उनका। ठीक, नेक्स्ट लिखे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, देखिए ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज, ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू टेक प्लेस, ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू टेक प्लेस व्हेन सम चेंज अकर, ए थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिकल लिखना है, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इज सेड टू टेक प्लेस व्हेन सम चेंज अकर इन द स्टेट ऑफ सिस्टम, सम चेंज अकर इन द स्टेट ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेस आर नेम्ड, एंड प्रोसेस आर नेम्ड एन ए एम ई डी, एंड प्रोसेस आर नेम्ड आफ्टर द क्वांटिटी, एंड प्रोसेस आर नेम्ड आफ्टर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एंड प्रोसेस आर नेम्ड आफ्टर द क्वांटिटी दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लिखा सम इंपॉर्टेंट प्रोसेस आर, सम इंपॉर्टेंट प्रोसेस आर नंबर वन लिखें आइसोथर्मल प्रोसेस, नंबर वन आइसोथर्मल प्रोसेस, ब्रैकेट में लिख दें टेम्परेचर कांस्टेंट, उसी ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिख दें पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन हो गई, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना। तो पहला प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस, ब्रैकेट में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, कॉमा लगा के लिख दें इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नंबर टू एडियाबेटिक प्रोसेस, नंबर टू एडियाबेटिक प्रोसेस, ब्रैकेट में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, इसमें ना तो सिस्टम के अंदर हीट जाएगी और ना सिस्टम से बाहर जाएगी, ठीक है, यानी हीट का कोई फ्लो नहीं होगा, तो डेल्टा क्यू जीरो, डेल्टा क्यू जीरो, कॉमा लगा के लिख दें पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बाद में बताएंगे, पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, गामा सीपी और सीवी का रेशियो है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, बाद में जान जाएंगे आप, ऐसे ही नोट कर दें अभी। थर्ड लिखें आइसोबारिक प्रोसेस, ये मेन प्रोसेस है जो आपके यहाँ यूज होती है, आइसोबारिक प्रोसेस, ब्रैकेट में प्रेशर कॉन्स्टेंट, प्रेशर कॉन्स्टेंट, डेल्टा पी जीरो, कॉमा लगा देते हैं इसे डेल्टा पी जीरो। फोर्थ लिखें आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, ब्रैकेट में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, डेल्टा वी जीरो, ब्रैकेट में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, डेल्टा वी जीरो। लिखा, अब हेडिंग डालें, समझ गए होंगे प्रोसेस, इसके बाद आपको कम्पिटिटिव उसमें आप एनी प्रोसेस और कराएंगे, उसमें फिर कोई भी प्रोसेस हो उससे एनी प्रोसेस के नाम से होता है, ठीक है, सॉल्व हो जाता है। लिखिए इंडिकेटर डायग्राम आर पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम आर पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम आर पीवी डायग्राम, प्रेशर और वॉल्यूम का जो डायग्राम आप बनाते हैं वो इंडिकेटर डायग्राम है, ठीक है ना। लिखिए इट रिप्रेजेंट द रिलेशन, इट रिप्रेजेंट द वेरिएशन लिखना, इट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम, इट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम विद द प्रेशर, इट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम विद द प्रेशर एंड शेप ऑफ डायग्राम डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, एंड शेप ऑफ डायग्राम डिपेंड्स ऑन प्रोसेस।
कि कौन सी प्रोसेस है, उसके हिसाब से पीवी डायग्राम बनेगा, वो हम लोग प्रोसेस में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जो थर्मोडायनामिक्स का आपका जो टॉपिक है, उसमें हम लोग स्पेशली चार तरह की क्वांटिटी पढ़ते हैं, एक वर्क डन, एक डेल्टा क्यू या क्यू हीट का प्रोसेस, कितना हीट सिस्टम में जा रही है या बाहर आ रही है, दूसरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी पढ़ते हैं, ठीक, और तीसरा एक यहाँ पर सीपीसीबी पढ़ते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है या कांस्टेंट वॉल्यूम है, ठीक है। पूरा चैप्टर जो है वो प्रोसेस के हिसाब से इन्हीं की स्टडी वहां पर करते हैं। हम सबसे पहले वर्क डन लेंगे और उसके बाद फिर वर्क डन आएगा दोबारा, जिसमें हम प्रोसेस से स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम वर्क डन का फार्मूला निकालेंगे, आप यहाँ पर हेडिंग डाल दें वर्क डन, वर्क डन, देखा। और अब आप डायग्राम बना दें, इसमें ये पिस्टन सिलेंडर है, फटाफट एक सिलेंडर बनाएं, इसमें ये डबल वाल है, नीचे से ये सिंगल लाइन बनाना, ये कंडक्टिंग है, बेस कंडक्टिंग है, साइड और ये सब इंसुलेटर हैं, ऊपर ये पिस्टन है, अंदर गैस फिलअप है, मूवेबल पिस्टन है, और ये शिफ्टिंग जो दिखा रखी है वो डीएक्स लिखा है यहाँ पर, पिस्टन को ऊपर ये छोटे छोटे दो वेट रखे हुए हैं पिस्टन के ऊपर, बना लिया हम लोग। सबसे पहले जो है वर्क डन का फार्मूला, ये फार्मूला सारे प्रोसेस में चलेगा बाद में, और ध्यान रखना कि किसी भी कहीं भी कोई डेरिवेशन आए किसी भी प्रोसेस का, तो ये थ्योरी उसमें कॉमन है, ये सभी में लिखनी होगी फार्मूला, मतलब कम लिखें लेकिन थोड़ा सा फार्मूला निकाल कर दिखा दें कि ये है। फिर वर्क डन बाई ग्राफ हम पहले स्टडी करेंगे कि ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, बना लिया है, खो नीचे जरा। सपोज ए सिलेंडर, सपोज ए सिलेंडर फिटेड विद ए मूवेबल पिस्टन, ध्यान रहे हम कोई भी डेरिवेशन जब वर्क डन का आगे कराएंगे प्रोसेस का, एडियाबेटिक का हो आइसोथर्मल का है, तो उसमें ये थ्योरी वहां सब में लिखनी है आपको। सपोज ए सिलेंडर फिटेड विद ए मूवेबल पिस्टन कंटेन्स ए गैस and some weights are placed on the piston, and some weights are placed on the piston. ये डायग्राम जैसे हमने वर्टिकल बनाया है, कहीं कहीं बुक में हॉरिजेंटल भी बनाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लिखिए, the bottom of the cylinder is, the bottom of a cylinder is made of a conducting material. A bottom of the cylinder is made of a conducting material so that the bottom of the cylinder is made of a conducting material so that heat can flow in or out, so that heat can flow in or out through it. So that heat can flow in or out through it. Base वहां पर बना हुआ है, नीचे conducting लिख दिया है। If we remove the weight from the piston, if we remove the weight from the piston, the gas will expand. The gas will expand. ये वेट रखे हैं, अगर ये वेट यहां से हटा देंगे तो गैस नेचुरल है, ऊपर से वेट लगा रखा है, इसे कंप्रेस कर रखा है, अगर वेट आप कम करेंगे तो गैस एक्सपेंड करेगी, ठीक है ना।
लिखा, इफ वी रिमूव द वेट्स फ्रॉम द पिस्टन द गैस विल एक्सपेंड डूइंग वर्क अगेंस्ट द पिस्टन, डूइंग वर्क अगेंस्ट द पिस्टन। तो जब वेट को कम करेंगे तो गैस इनका वॉल्यूम बढ़ेगा ना, पिस्टन ऊपर उठेगा, तो ये वर्क डन बाय द गैस, ठीक, इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इसमें हम डेल्टा वी लेते हैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल, तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा, इनिशियल वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो वहां लिखने ब्रैकेट वर्क डन अगेंस्ट द पिस्टन, ब्रैकेट में लिखते हैं वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस। बाहर लिखें उसके, ऑन द अदर हैंड इफ, ऑन द अदर हैंड इफ वी प्लेस एडिशनल वेट्स, ऑन द अदर हैंड इफ वी प्लेस एडिशनल वेट्स ऑन द पिस्टन, गैस विल बी कंप्रेस्ड एंड वर्क विल बी डन ऑन द गैस, गैस विल बी कंप्रेस्ड एंड वर्क विल बी डन ऑन द गैस। इसको नेगेटिव लेंगे, इसमें वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरा से लिखें, लेट पी बी द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस, लेट पी बी द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस एंड कैपिटल ए लिखना, ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन, लेट पी बी द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस एंड ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन, then force exerted by the gas on the piston, then force exerted by the gas on the piston, force is equal to pressure into area, लिख दो, force F is equal to PA, नोट किया। लिखे, suppose we remove a small weight from the piston, the gas would expand, and piston would be displaced outward, outward through a small distance dx. लिखे, work done by the gas, देखिए dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स की वैल्यू पुट अप कर दो, पी ए डी एक्स और ए डी एक्स मिलके क्या बनेगा, स्मॉल वॉल्यूम गैस का, उसको डी बी लिख देते हैं, ठीक है ना, तो इसकी जगह पे पी डी बी लिख दो, dw इज इक्वल टू पी डी बी, dv इज इक्वल टू ए डी एक्स, ये बन गया स्मॉल वॉल्यूम जो चेंज होगा, dw इज इक्वल टू पी डी बी। अब अगर टोटल वर्क डन आपको निकालना है तो इंटीग्रेट कर दो, टोटल वर्क डन पी डी बी, और अगर वॉल्यूम दिया है बी वन टू बी टू तो लिमिट लगा दो, नेचुरल है कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम बी वन टू बी टू,
वॉल्यूम इंक्रीजेज लिख देना फ्रॉम बी वन टू बी टू, तो इंटीग्रेशन ये बेसिक फार्मूला है वर्क डन का, ठीक है। कोई भी आगे चैप्टर में जब डेरिवेशन करेंगे वर्क डन के बाद में, ये जो है अलग अलग प्रोसेस में डेरिवेशन होंगे एडियाबेटिक में, आइसोथर्मल में स्पेशली है, तो उसमें आप कम से कम थोड़ा सा शॉर्ट में ये डायग्राम बनाकर और ये थ्योरी लिखकर थोड़ी सी कि यहीं से लिख देना कि प्रेशर और एरिया मल्टीप्लाई करके और शो कर दें कि वर्क डन का फार्मूला ये होगा। मेरा मतलब इसको डायरेक्ट यूज ना करें, पहले दिखा दें कि ये फार्मूला कहाँ से आया है, ठीक है ना, तब उसको यूज करेंगे आगे फर्दर उसमें। तो अगर आप पीवी डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर, तो वैसे भी आपको मालूम होगा कि जैसे आपने पीवी डायग्राम बनाया है और ये कर्व हमने ले लिया कोई भी, तो यहाँ पर ये इंडिकेटर डायग्राम में ये वॉल्यूम स्मॉल चेंज है वॉल्यूम में डीवी है, और इस डीवी चेंज में जो प्रेशर है वो पी है, तो इसमें वर्क डन कितना होगा स्मॉल चेंज के लिए पी डीवी, ठीक है। और अगर वॉल्यूम आप चेंज कर रहे हैं बी वन से बी टू, तो फिर इसको इंटीग्रेट कर दें बी वन टू वी टू, ये तुम्हारा टोटल वर्क डन आ जाएगा बी वन से वी टू को चेंज कर, समझ गए ना। तो ग्राफ से भी दिखा देते हैं, अभी हम जो वर्क डन के एग्जाम्पल ले रहे हैं वो ग्राफ से ले रहे हैं, ये डायग्राम आप वहां पर बना दें। ये डायग्राम भी शो कर रहा है कि जो वर्क डन का फार्मूला है वो आपका पीडीबी बनेगा, और इंटीग्रेशन कर दें तो टोटल एरिया अंडर कर्व आ जाएगा। इसका मतलब है अगर पीवी डायग्राम आपको दिया गया है ग्राफ, तो उसमें अगर एरिया अंडर कर्व निकाल लेंगे तो आपका टोटल वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। न्यूमेरिकल 11th में भी पूछ देते हैं, इसमें ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये बना लिया डायग्राम, इसमें देखिए ये प्रेशर कांस्टेंट है ना, कौन सा प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें अगर मान लीजिए ए से बी तक आपको वर्क डन निकालना है, तो इसके नीचे का जो टोटल एरिया है ये वर्क डन होगा, ठीक है। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, जल्दी बोलो, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ये प्रेशर कांस्टेंट है, अगर इसी तरह से अगर पीवी मान लीजिए आप ऐसे बनाते हैं, तो ये भी आपका जो है वो इसमें भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। कुल मिला के पीवी जो ग्राफ होंगे उसमें एरिया अंडर कर्व निकालना है, इसमें भी वर्क डन पॉजिटिव होगा। अब आप डायग्राम बनाते जाएं फटाफट, एरो से पता लग जाएगा इसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसमें वर्क डन नेगेटिव होगा। थर्ड केस में कितना होगा वर्क डन, इसमें जीरो, क्योंकि वॉल्यूम पी डीवी है, डीवी चेंज नहीं हो रहा है, समझ गए ना, प्रेशर चेंज हो रहा है, इसमें वर्क डन जीरो, ठीक है ना। वैसे जनरली पहले आप क्लोज का देख लें, जनरली ऐसा करते नहीं है कि कब, फिर भी कभी किसी एग्जाम में यहाँ पर थोड़ा सा जब भी कोई ग्राफ आए तो देख लेना एक्स एक्सिस पर क्या है और वाई एक्सिस पर क्या है। जैसे मान लीजिए किसी ने वॉल्यूम यहाँ बना दिया, प्रेशर ये बना दिया,
ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर ये क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, अगर उल्टा बना दें पॉजिटिव, वॉल्यूम क्या हो रहा है इंक्रीज, ठीक है ना, बस वॉल्यूम देखें इंक्रीज और डिक्रीज, समझ गए ना। तो ये वर्क डन पॉजिटिव है, रेयर केस है थोड़ा सा, फिर भी ध्यान रखना कभी कोई बना दे गई, ठीक है ना। पीबी डायग्राम का मतलब ये, वो प्रेशर को बनाते हैं वहां पर वाई एक्सिस पर और इसको एक्स एक्सिस पर, वैसे ठीक से लिखने पर वो वॉल्यूम प्रेशर डायग्राम है, क्योंकि जनरली एक्स एक्सिस का पहले बोला जाता है। वैसे भी कहीं भी आए एरिया वगैरह कहीं भी कोई चीज हो तो ग्राफ में आपको पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर चेक कर लेना चाहिए कि क्या बना हुआ है जनरल में जो है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई क्लोज साइकिल है, ये हमारा पीवी डायग्राम है और ये क्लोज साइकिल है, ए से स्टार्ट हुए बी पर गए, बी से सी, सी से डी और डी से ए वापस आ गए, ये साइकिल क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक है, क्लॉकवाइज साइकिल है, इसमें जरा बताएं वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। देखिए जो ए से बी में वर्क डन होगा ये वाला, वो ये एरिया होगा टोटल नीचे का, पहली बात, ठीक। और ये वर्क डन यानी कि इसमें जो आपका आएगा यहां पर ए बी सी डी ई एफ लिख दे रहे हैं, कौन सा एरिया होगा, ए बी सी ई एफ और ए वापस, और पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है केवल ए से बी में, ये वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक। इसमें बताओ बीसी में वर्क डन कितना होगा, जीरो, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। सी डी में वर्क डन, ये एरिया होगा नीचे वाला, ये वाला एरिया, ये कौन सा एरिया है बोलो, सी डी एफ ई और वापस आ जाओ सी पर, ये वर्क डन नेगेटिव होगा। डी ए में वर्क डन जीरो, ठीक है ना। तो जो टोटल वर्क डन होगा पॉजिटिव में से जब नेगेटिव माइनस करेंगे तो एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व होगा, ठीक। तो टोटल वर्क डन आप बनाएं डायग्राम, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू होगा एरिया ए बी सी डी ए और यहां पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब साइकिल अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आता है, अगर प्रेशर वाई एक्सिस पर है तो, प्रेशर वाई एक्सिस पर है तो, क्लॉकवाइज साइकिल में पॉजिटिव, ए बी सी डी ई अब डाल दो, इसमें प्लस डब्ल्यू और ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, इसमें वर्क डन निगेटिव, ठीक है ना। बना दो फटाफट उसे भी एंटी क्लॉक में, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा होगा ऊपर वाले का, ठीक है ना, नीचे तक का एरिया लेंगे, ठीक है ना। बना दो जरा डायग्राम में, एक में क्लॉकवाइज में प्लस डब्ल्यू लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस डब्ल्यू, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, प्लस डब्ल्यू और माइनस डब्ल्यू, लिख दिया, ठीक है। उसमें नोट कर दो इन क्लॉकवाइज वर्क डन बाय द सिस्टम, इन क्लॉकवाइज वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड इन एंटी क्लॉकवाइज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड
इन एंटी क्लॉकवाइज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. बनाया. नेक्स्ट में जरा ये ग्राफ बनाए देखिए. सेम एक साइकिल बना लें, ए बी सी. हम दो अलग अलग एरो पर ध्यान देना, हम दो अलग अलग प्रोसेस से जो है ए से सी में गए हैं. इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन सी है. एक प्रोसेस है एबीसी, दूसरा प्रोसेस है एडीसी. दोनों में वर्क डन इक्वल होंगे या अलग अलग होंगे? एक प्रोसेस लाए हैं एबीसी और दूसरा एडीसी, अलग अलग वर्क डन होंगे, हो गए ना अलग अलग. इस वाले में वर्क डन वैसे ये पॉजिटिव है, इसमें जीरो है. इधर से आएंगे इसमें जीरो होगा और इसमें वर्क डन निगेटिव होगा. इसका मतलब है कि वर्क डन पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना. तो इनिशियल और फाइनल स्टेट के अलावा उस पर प्रोसेस पर भी डिपेंड करेगी. यहां पर लिख दीजिए वर्क डन एबीसी नॉट इज इक्वल टू वर्क डन एडीसी. अगर पेपर में आए तो ठीक से थ्योरी बना के लिख दोगे ना. दो प्रोसेस ले लिए हैं, एक एबीसी प्रोसेस दूसरा एडीसी प्रोसेस. लिखा, लिख दीजिए जरा वर्क डन बाय ए सिस्टम. वर्क डन बाय ए सिस्टम इन गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. वर्क डन बाय ए सिस्टम इन गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. लिखा है देखिए, वर्क डन डिपेंड्स नॉट ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ओनली अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स लिख दो, स्टेट्स. बट आल्सो अपॉन द पाथ फॉलोड, पाथ फॉलोड बाई द सिस्टम और ऑन द सिस्टम. बाई द सिस्टम और ऑन द सिस्टम. लिखा, वर्क डन के इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. अगर कोई प्रोसेस क्लोज साइकिल का इस तरह का अगर दिया हो, ध्यान दें. और इसमें होता क्या है कि जो प्रेशर की यूनिट है वो अलग होती है, वॉल्यूम की यूनिट अलग होती है, ठीक है ना. ये है जरूर सर्किल, और तुम्हें ये सर्कुलर वर्क डन कैसा होगा, इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, यहां पर ये साइकिल कैसी है, क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक. अब जरा देखें, जैसे हमने वॉल्यूम यहां 1 लीटर लिया, यहां 2 लीटर लिया है, और यहां पर जो हम प्रेशर ले रहे हैं वो लीटर में हम फिलहाल यूनिट में चेंज नहीं करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक. तो यहां पर डिस्टेंस ये जरूरी नहीं कि एग्जामिनेशन में आपको इक्वल दी गई हो. जैसे यहां 4 यहां 8, ऐसे में जब एरिया निकालेंगे, क्योंकि एरिया आता है इनक्लोज्ड साइकिल का, अंदर अंदर का, ठीक है. तो जब एरिया निकालेंगे इसका, तो यहां पर जो फार्मूला यूज करेंगे वो ध्यान रखना, ये मैथ में जो आप इलिप्स पढ़ते हैं उससे फार्मूला लिया गया है, वो एरिया अंडर कर्व से. यहां जो एरिया ऐसा कर लेना कि पाई आर स्क्वायर होता है, उसको आर वन आर टू कर देना. इलिप्स में पाई ए बी होता है, ए सेमी मेजर एक्सिस है और बी सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है. तो दोनों तरफ की रेडियस लेकर उनको मल्टीप्लाई कर देना. अब इसको लर्न रखना इस चीज को, ठीक है. तो यहां पर जरा बताएं, इसका रेडियस यहां पर कितना होगा, हमने 2 माइनस 1, तो कितना बचा 1, तो 1 का हाफ कर दें, 1 बाई 2,
ठीक है ना। यहां देखिए 8 माइनस 4, 4, 4 का हाफ कर दें 2, समझ गए ना। और हम यहां यूनिट नहीं लिख रहे हैं, यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू लीटर कर दे रहे हैं। वैसे एग्जामिनेशन में लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करके और तब लिखना, ठीक है। या यहाँ पर मीटर क्यूब कर सकते हैं आप, हमने लीटर में लिख दिया कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। आप चेंज कर लेना यूनिट को, समझ में आ गई ना बात। तो मेन हमारा यहाँ पर्पज है ये फार्मूला आपको बताना, यूनिट आप देख लें वहां पर, जैसा सोल्यूशन में आंसर दिया हो उसके अकॉर्डिंग टू आप यूज करें वहां पर। ठीक है ना, जिस तरह का वहां सोल्यूशन में दिया हो उस तरह से यूज करना वहां पर। जरा यहां पर बता दें, ये हमारा जो सर्किल था वो हाफ है, सेमी सर्किल है, तो इसका जो एरिया होगा वो उसका हाफ हो जाएगा, समझ गए ना बात। तो यहां पर जब आप वर्क डन निकालेंगे तो हाफ, यही आपका वर्क डन भी है वहां पर, पहले तो हाफ कर दें पाई आर वन आर टू, तो वन बाई टू पाई, इसका ये सीधे रेडियस आ रहा है, हमने मीटर क्यूब लिख दिया है, टू माइनस वन यानी वन, और यहां से हाफ कर दें थ्री माइनस वन टू, और टू का हाफ वन, क्योंकि ये डायमीटर है। अरे बात समझ में, तो यहां पर वन यानी कि पाई बाई टू, और बाकी यूनिट डाल दें, जूल भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर लिख दें, वर्क डन है। ओपन साइकिल में अलग अलग देखकर वर्क करेंगे। जरा इसमें बताएं, ये हमारा जो प्रोसेस है वो ए से बी है, बी से सी, सी से डी, ओपन है, क्लोज साइकिल नहीं है। ए से बी, बी से सी और सी से डी, इसमें दिया गया है टोटल। आप देखिए बीसी प्रोसेस में तो वर्क डन जीरो होगा, होगा ना ऊपर वाले में, तो नेट वर्क डन क्या होगा, जो सी डी साइकिल है उसका वर्क डन पॉजिटिव होगा और ए बी वाले का वर्क डन निगेटिव होगा। बस क्लोज कर रहे हैं ए से बी और सी से डी, तो जरा बताएं टोटल वर्क डन, पहले सी डी का वर्क डन निकालो तो क्या होगा, नीचे निकल टोटल एरिया पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। कितना एरिया होगा जरा देखो, 2p नॉट हाइट है और 3v नॉट में से v नॉट माइनस कर दो तो 2v नॉट, ये समझ में आ गया बात। रेक्टेंगल है उसमें माइनस कर दो a से b का, तो कितना होगा बोलो, a से b में माइनस करने पर p नॉट इसकी हाइट और 2v नॉट में से v नॉट माइनस कर दो तो ये तुम्हारा 3p नॉट v नॉट, ये वर्क डन आ गया, समझ में आ गई होगी बात। ऊपर वाला वर्क डन पॉजिटिव है, नीचे वाला वर्क डन नेगेटिव है, ए से बी में नेगेटिव है, सी टू डी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सी से डी में जब वर्क डन लिया तो टोटल नीचे तक का एरिया वॉल्यूम तक का है? नहीं हमने ले लिया यहां पर, ये वाला वर्क डन पॉजिटिव है ना तो इसको पॉजिटिव ले लिया और दूसरा निगेटिव है तो माइनस लगा दिया, दूसरे में वॉल्यूम क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो इसमें माइनस हमने लगा दिया वर्क डन, नहीं ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इसलिए पॉजिटिव होगा और यहां पर वॉल्यूम ए से बी में डिक्रीज हो रहा है इसलिए निगेटिव होगा। हाँ एरो उल्टा है तब तो हो ही जाएगा,
हमारा एरो पहले देखा जाएगा, ए से बी है, बी से सी है, सी से डी है, ठीक है। तो सी से डी प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव होगा, ए से बी प्रोसेस में वर्क डन निगेटिव होगा, समझ गए ना। ये ओवरऑल वर्क डन हम समझते हैं, आप ग्राफ के क्वेश्चन कर लेंगे, और ये क्वेश्चन आप इलेवेंथ में भी ध्यान रखना, ये वहां पूछ देते हैं, बुक में दिया हुआ है सभी जगह। तो ओके स्टूडेंट, हमने आपको थर्मोडायनामिक्स में वर्क डन का आर्टिकल मेनली करा दिया है, आगे फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।